जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और सीटेट के इंपॉर्टेंट वीडियोस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों आपके ईवीएस ईवीएस पेपर वन में जितने भी सवाल पूछे गए आपके डायरेक्शन से और मैप से, दिशा से और मैप से। अक्सर आपसे सवाल पूछता है ना, कुछ कंडीशन देगा और बताना है कि आपका या नॉर्थ ईस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, या किस दिशा में होगा, इस तरीके से सवाल पूछता है। दूसरा आपसे जो मैप में पूछता है, जैसे अरब सागर के किनारे के देश हैं, अरब सागर के किनारे के राज्य हैं, अंडमान निकोबार के किनारे के राज्य हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी के किनारे के राज्य, तो इस तरीके से सवाल पूछता है। या कभी कभी सवाल पूछता है कि किस एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने के लिए अगर आप जाते हैं तो कौन से राज्य से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो सीटेट में जितने भी इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं आपके, वो हम यहाँ पे लेके आए हैं और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आसान से शब्दों में। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आएगा और पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज का पहला वीडियो, आज का पहला क्वेश्चन, और इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा घर है एक्स पर, और एक्स के साथ हमारा घर रखा है इसलिए हमने एक्स एच कर दिया, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अब वाई पर स्थित है, कहाँ स्थित है हमें नहीं पता, ठीक है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, सामने है लेकिन कहाँ है, सामने अगर यहाँ भी हो सकता है, सामने यहाँ भी हो सकता है, सामने यहाँ भी हो सकता है, सामने यहाँ, सामने है कहाँ है हमें नहीं पता, बिल्कुल सामने है कि बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे राजमार्ग होने के कारण आप नहीं जा सकते, अतः आप पहले 100 मीटर उत्तर दिशा में जाते हैं। अब उत्तर दिशा में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ जाइए दोस्तों, कि जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हमारा डायरेक्शन इस तरीके से लिया जाता है। कैसे, ये हमारा ईस्ट हो गया, ईस्ट का मतलब पूर्व हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, वेस्ट का मतलब पश्चिम हो गया, ये हमारा दोस्तों नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का मतलब उत्तर हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, साउथ का मतलब दक्षिण हो गया। इसलिए मैंने ऊपर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्शंस का कैंपस यहाँ कंपास यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए सवाल में जैसे जैसे कंडीशन कह रहा है अतः आप पहले ठीक उत्तर दिशा में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हैं तो यहाँ से अगर आप उत्तर जाएंगे तो किधर जाएंगे, उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ आप आ गए, कितना आप आए 100 मीटर, ऊपर कितना है भाई 100 मीटर आप आ गए। फिर कह रहा है फिर ठीक पश्चिम जाते हैं, तो यहाँ से पश्चिम किधर होगा, देखिए पश्चिम इधर है ना, पश्चिम आप यहाँ से यहाँ पे पश्चिम आ जाते हैं, कितना आते हैं 75, 75 आते हैं, ओके बहुत से। अब कह रहा है कि ठीक पश्चिम आते हैं तथा लंबा सुरंग पार करते हैं, आप 100 मीटर की दूरी ठीक दक्षिण, दक्षिण का मतलब किधर आते हैं नीचे आते हैं, दक्षिण का मतलब नीचे, फिर आप 100 मीटर आ जाएंगे नीचे, तो वहां पे आपका वाई होम है, वाई यहाँ पे आपका स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, वाई यहाँ पे, और यहाँ पे आपका घर था और यहाँ पे आपका स्कूल हो गया। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है। अब जिसके सापेक्ष पूछता है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है। अब इसको जरा समझ जाइए कैसे यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है, अब यहाँ पे जरा इसको समझ जाइए। कह रहे हैं दोस्तों कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा वहां पे हम फिर से डायरेक्शन बना देंगे, यहाँ पे हम फिर से डायरेक्शन बना देंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि हमारा घर किधर है, हमारा घर बिल्कुल पूरब की तरफ है और 75 मीटर यहाँ पे दूरी है, समझ में आ रही बात। अगर एक्स, ये हमारा ये घर है और ये हमारा स्कूल है, तो अगर घर के सापेक्ष पूछता तो ये पश्चिम हो जाता, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमारा विद्यालय के सापेक्ष, ये इधर की तरफ है, पूरब हो जाएगा, 75 मीटर ठीक पूरब में, 75 मीटर ठीक पूरब में, समझ में आ गई। इसी तरीके से वन बाई वन करते, एक दो क्वेश्चन करिए, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा, इसमें बिल्कुल ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इस सवाल पे देखिए, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, उसके लिए पहले वो ओ पर जाता है जो ए से ठीक 120 मीटर उत्तर है। अच्छा चलिए इसको भी जरा कर लेते हैं, देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। ओके बहुत अच्छा, सवाल में क्या कह रहा है जरा इस चीज को समझ, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ए पर वो है और बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो बच्चा अभी कहाँ है, बच्चा हमारा ए पे है, बच्चा हमारा ए पे है, और उसे पहुंचना कहाँ है बी पे, तो वो इसके लिए पहले ओ पर जाता है जो ए से ठीक उत्तर 120 मीटर है। ए हमारा ये ए है ना बाबू, ए से ठीक उत्तर में, उत्तर का मतलब कहाँ पे, ऊपर की तरफ देखिए 120 मीटर है, ओके चलिए मान लेते हैं 120 मीटर यहाँ है मीटर दूरी पे। फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर, यहाँ से देखो यहाँ पे हमारा ओ हो गया, अब यहाँ से 50 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में, यहाँ से ठीक 50 मीटर दूरी तय करता है पश्चिम दिशा में, यहाँ से हमारा 50 मीटर दूरी तय करेगा पश्चिम दिशा में, यहाँ पे बी हो गया, समझ में आ गया भाई, यहाँ पे बी हो गया।
अब कह रहा है ए की बी की से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा, यहाँ ध्यान रखिएगा बी के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष दिशा पूछे बाबू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो जिसके सापेक्ष दिशा पूछे ना हमें वहीं पे क्या करना है बना देना है। तो देखेंगे आप बी के सापेक्ष दिशा कौन सा है, बी के सापेक्ष दिशा हमारा ये है ए की, ठीक है, बी के सापेक्ष ए की दिशा है। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, हमारा दिशा कौन सा बन रहा है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हो गया आपका नॉर्थ और ये आपके साउथ। तो साउथ ईस्ट क्या बन रहा है भाई, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट बनेगा, मतलब साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एक यहाँ पे है, सब साउथ ईस्ट एक यहाँ पे है, साउथ ईस्ट एक यहाँ। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो ये 120 है और ये 150 है, तो अब यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, इधर 12 है इधर 5 है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के क्या होगा, 12 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का 144 और 5 का 25, तो ये हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर था, 30 का, तो 130 मीटर तो होगा डेफिनेटली, नो डाउट 130 मीटर तो होगा, लेकिन किधर होगा दोस्तों, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में 130, साउथ ईस्ट में 130 कहाँ है दोस्तों, साउथ ईस्ट में 130, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, साउथ ईस्ट में 130 हमारा ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना है दोस्तों, वन बाई वन आप जैसे जैसे प्रोसेस दे रहा है वैसे वैसे हमें आगे बढ़ते हुए जाना है और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, कोई छात्र ए पर है बी पर पहुंचना चाहता है, चलिए मान लेते हैं हमारा ये छात्र जो है हमारा ए पे यहाँ पे है, वो पहले बिंदु ओ पर, अच्छा ये सवाल सारे सवाल सीटेट में पूछे गए हैं, 6 जनवरी को पूछा गया ये सवाल, ठीक है ओके चलिए। तो जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, जैसे ए से ठीक उत्तर की तरफ है ना, किधर उत्तर की तरफ, यहाँ से ए से ठीक उत्तर की तरफ है 90 मीटर पे, 90 मीटर पे है, क्या है ओ है, बिंदु ओ है, चलिए दूरी पर, फिर ओ से भी ठीक पश्चिम दिशा में 120, पश्चिम दिशा का मतलब किधर, इधर इधर की तरफ जाएगा 120 जाएगा, तो ए की बी से कम दूरी बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष यहाँ बी है ना, इसी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो भाई ये सेम सेम होगा, अगर मान लीजिए हमारा बी यहाँ पे है ए यहाँ पे है, तो ये होगा सेम, ये साउथ और ये साउथ ईस्ट में होगा, दक्षिण पूर्व में होगा, दक्षिण पूर्व कितने, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये हमारा 120 है, ये हमारा 90 है, तो 144 प्लस 81 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 4 12 के 2 कैरी 1 225, 225 किसका वर्ग है, 225 15 का वर्ग है, यानी कि 150 150 दक्षिण पूर्व, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, 150 दक्षिण पूर्व, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये आप कैसे निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बाबू, जैसे हमारा जो डायरेक्शन बना था वो ये बना था, हमारा डायरेक्शन क्या बना था, हमारा डायरेक्शन ये बना था, यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे हमारा बी है, यहाँ पे हमारा ओ है, ठीक है, ये हमारा कितना था, ये हमारा है 90, ये हमारा है 120, तो इसको अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ए बी की जो वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू 120 से 10 आप हटा भी सकते हैं, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8100 9 का 81 प्लस 12 का 144 00, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा दोस्तों 225 00, 225 00 अंडर रूट में किसका स्क्वायर है, ये है दोस्तों 15 150 का स्क्वायर, समझ में आ गया, 150 का स्क्वायर, तो इसीलिए 150 की वैल्यू ये हमारी कितनी हो जाएगी 150। बहुत ही सिंपल सा मेथड है दोस्तों पाइथागोरस है, 150 दिशा तो आपको ध्यान में ही है कि दिशा यहाँ से कौन सी होगी, यहाँ से दिशा होगी दक्षिण पूर्व होगी, यानी कि यहाँ से साउथ ईस्ट होगी, बात खत्म। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल देख लीजिए, एक सवाल अक्सर आपको सीटेट में से देखने को मिल जाता है, अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से इसको कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, कोई बच्चा एक्स पर स्थित है, वो अपनी सहेली बच्ची है, ओके कोई बच्ची है जो एक्स पर स्थित है और अपने सहेली के साथ वाई पर स्थित है, उसकी सहेली के साथ वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है, इसके लिए वो पहले ओ पर पहुँचती है, जैसे मान लीजिए हमारी एक बच्ची हो गई एक्स पे, ठीक है, ये अपने किसी सहेली के साथ जाती है खेलना चाहती है, इसकी सहेली वाई पे, तो ये पहले ओ पे जाती है, ओ पे कहे एक्स से ठीक दक्षिण 40 मीटर की दूरी पर है, एक्स से ठीक दक्षिण की तरह भैया, दक्षिण हमारा नीचे है, दक्षिण हमारा किधर है, नीचे है, दक्षिण हमारा किधर है 40 मीटर नीचे है, ओके चलिए। अब दिशा में उसके पास ठीक पूरब दिशा में, यहां से पूरब जाएगी तो किधर जाएगी, यहां से पूरब जाएगी इधर जाएगी, कितना जा रही है पूरब 30 जा रही है, पूरब हमारी 30 चली गई, ओके ठीक, पर
तय करके ओ से वाई पर पहुंचते, यहाँ पे वाई ओ था, यहाँ पे वाई पर पहुंच गई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स, तो जिसके सापेक्ष कहे उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम डायरेक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे फिर क्या, ओके सॉरी, यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर कह रहा है कि वाई के सापेक्ष, तो वाई के सापेक्ष हम यहाँ पे ले लेते हैं, जब भी y के सापेक्ष कहे तो हम y के सापेक्ष यहाँ बना लेते हैं। y के सापेक्ष x की दिशा, y के सापेक्ष x की दिशा क्या है, y के सापेक्ष x की दिशा ये है ना, बिल्कुल ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है नॉर्थ और ये होता है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, उत्तर और उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, उत्तर पश्चिम किसमें है, इन दोनों में, उत्तर पश्चिम किसमें है, इन दोनों में। तो इसकी ये तो हो जाएगा, लेकिन दिशा कितनी होगी दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, ये चार है और ये तीन है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस है, बिल्कुल ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस है, चार का स्क्वायर 16, तीन का स्क्वायर 9, 16 ना 25, 25 किसका स्क्वायर है, पांच का, यानी कि आपका कितना होगा 50 उत्तर पश्चिम, इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 50 उत्तर पश्चिम। कुछ नहीं करना इस सवाल में, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आपको लगा लेना है। अगला सवाल देखिए, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है, यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक आपके सामने है परंतु बीच में गहरी नदी है। हमारी मान लीजिए हमारा घर कहाँ पे है, एक्स है, एक्स पे हमारा घर दिया है और दुकान कहाँ पे है, वाई पे है, सामने तो है लेकिन किस दिशा में हमें नहीं पता, आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर जाते हैं। चलिए हम यहाँ से दक्षिण में ठीक 200 मीटर यहाँ पे आ गए, 200 मीटर हम यहाँ पे दक्षिण में आ गए, ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा, यहाँ से हम 150 मीटर पूरब की तरफ चल जाते हैं, 150 मीटर हम यहाँ पे पूरब की तरफ आ गए, ठीक है। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर, उत्तर किधर है, उत्तर मतलब हमारा इधर है 200 मीटर, फिर हम वापस इधर चले जाएंगे 200 मीटर, हमने फिर वापस यहाँ पे आ गया, चलकर पिताजी की दुकान वाई पर पहुंच गए, आप वाई पर पहुंच गए, बिल्कुल अब आप वाई पर पहुंच गए, तो इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा, वाई के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष, मैंने फिर से कहा ना कि ये वाला बहुत पॉइंट ध्यान से दीजिएगा, जिसके सापेक्ष पूछे दोस्तों, जिसके सापेक्ष पूछे उसी पे आपको बनाना है। तो y के सापेक्ष x किधर है, बिल्कुल पश्चिम में है, देखिए बिल्कुल पश्चिम में है और दूरी कितनी है 150 है, पश्चिम में 150, पश्चिम में 150 कहाँ है भैया, 150 ठीक पश्चिम में, बिल्कुल कितना आसान है, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप भी कर जाएंगे इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है आपके घर की स्थिति और वाई के विद्यालय की स्थिति है, एक्स घर है और वाई विद्यालय है, चलिए अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं, x से मान लीजिए ये हमारा x हो गया, x से हम ठीक 3 किलोमीटर कहाँ चले गए, उत्तर में चले गए, तो यहाँ उत्तर में, फिर ठीक पूरब में, यहाँ से फिर पूरब में आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपका y है, ये हमारा 4 है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पहले बात 3 और 4 है तो ये डिस्टेंस 5 होगा, नो डाउट। अब कह रहा है अब कह रहे हैं विद्यालय के सापेक्ष आपके घर, विद्यालय क्या है भाई, विद्यालय वाई है, इसके सापेक्ष, ये वाई है ना भाई, ये हमारा वाई है, तो इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा याद रखिएगा, जिसके सापेक्ष पूछेगा हम वहीं पे यहाँ पे क्या बनाएंगे, डायरेक्शन बना देंगे। तो आप देखिए ठीक है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, तो हमारा घर एक्स कहाँ है भैया, ये देखिए साउथ वेस्ट में है 5, साउथ ईस्ट में 5 किलोमीटर, कहीं है साउथ वेस्ट में 5 किलोमीटर, ये हमारा सही जवाब हो गया, समझ में आ रही है, साउथ वेस्ट में 5 किलोमीटर, इस तरीके से आपको आसानी से कर लेना है, कुछ नहीं है सवाल में, बस आप कैंपास को ध्यान में रखिएगा और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे चलते जाइए, कुछ नहीं आसानी से निकल जाए। अब देखिए, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और अस्पताल वाई पे है, चलिए हमारा डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और अस्पताल वाई पे है, अतः डॉक्टर पहले ए पर सीधी सड़क, डॉक्टर घर से अस्पताल जाने के लिए, ठीक है घर से अस्पताल जा रहा है, तो डॉक्टर एक्स से जाएगा वाई पे, डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो ठीक एक्स के 500 मीटर की दूरी पर पूरब में है, कहाँ पे भैया पूरब में, तो यहाँ से पूरब में कहाँ, यहाँ से पूरब में हमारा यहाँ हो गया, जो कितना है 500 मीटर की दूरी पे, ठीक है ए पर आ गया, ओके ए से ठीक दक्षिण में 400 मीटर, ए से ठीक दक्षिण में कितना भैया 400 मीटर, 400 मीटर दूरी पर सी है, दक्षिण मतलब सी है, नीचे है ना सी है, यहाँ पे ए के बाद क्या है, फिर वह बी पर, बी से अच्छा बी पर आ गया जो ठीक से जहाँ पे हमारा बी आ गया, कोई बात नहीं, चलिए 400 मीटर दूरी, फिर वह सी पर जाता है जो बी से ठीक पश्चिम में 90 मीटर, बी से ठीक पश्चिम में, पश्चिम मतलब यहाँ पे 90 मीटर है, 90 मीटर है, ओके। अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंच जाता है जो सी पर ठीक, सी से ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर, सी से ठीक उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा का मतलब सी से उत्तर दिशा में
कितना है भैया? 80 मीटर। अच्छा 80 मीटर, कोई बात। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर की सही दिशा पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, सीधे दिशा पूछ रहा है, सीधे दिशा पूछ रहा है, ठीक है, सीधे दिशा पूछ रहा है। तो ये 500 था, ये 90 था, थोड़ा सा हम उसको छोटा कर लेंगे, ये 500 था, ये 90 था, तो 90 हमारा मान लीजिए यहाँ तक होगा, ठीक है, और यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे इसका अस्पताल है, यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे इसका अस्पताल है, ठीक है। अब अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर पूछ रहा है, तो मैंने बात बताया जिसके सापेक्ष पूछेगा भाई, जिसके सापेक्ष पूछेगा हम वहीं पे क्या करेंगे, वहीं पे डायरेक्शन बना देंगे। तो ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। तो हमारा जो अस्पताल के सापेक्ष जो घर है ना, वो देखिए किधर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या है। इसी तरीके से करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल देखिए, सपोज कर लीजिए, अच्छा ये अब मैप से देखिए, अभी तक जितने सवाल पूछे गए थे सीटेट में डायरेक्शन से, इसी तरीके से पूछे गए थे, और आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं। अब जो सवाल आएगा वो मैप में आएगा, मैप से पूछा जाएगा, मैप में देखिए कैसे सवाल पूछा गया। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? तो सर्वाधिक घने जंगल कहाँ है भैया? सर्वाधिक घने जंगल के बारे में देखिए, सर्वाधिक घना जंगल हमारा कहाँ माना जाता है? अरुणाचल के नैनीताल में स्थित है, सॉरी उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष उत्तराखंड कहाँ है? तो आप जरा मैप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल मध्य में है, यानी कि मध्य प्रदेश हमारा ये है, और उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड हमारा ये है, ठीक है, उत्तराखंड हमारा ये है। अब सवाल कह रहा है कि इसके सापेक्ष में क्या है, तो आइए जरा देख लेते हैं आंसर में क्या दिया है, विकल्प देखिए, चलिए आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सापेक्ष, ये मध्य प्रदेश के सापेक्ष कह रहा है, तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष हमने एक डायरेक्शन बना दिया, और क्या, और यहाँ पे उत्तराखंड हमारा यहाँ पे, उत्तराखंड हमारा यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड हमारा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में हमारा, उत्तर पूर्व में ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, मैप से संबंधित सारे सवाल आसान होंगे, आप आसानी से कर लेंगे। तीन राज्यों का ऐसा समूह जिसके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? अरब सागर किन राज्यों के किनारे पर स्थित है? ये हमारा जो अरब सागर है दोस्तों, वो किसके किसके, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात की, ठीक है, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ठीक है। अब आइए देख लेते, विकल्प में केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र ही दिया होगा आपके विकल्प में, तो केरल, कर्नाटका, आंध्रा नहीं होगा, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र ही होगा, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र ही होगा। समझ में आ गई बात, उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल नहीं, तो आपका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैप में हमें थोड़ा मैप को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी तीन राज्य कौन से है? सेवन सिस्टर में जरूर होगा, मिजोरम खुद एक सेवन सिस्टर का राज्य है, तो कह रहे हैं उसके आसपास के दूसरे राज्य कौन से हैं? तो सेवन सिस्टर में अगर आप बात करें तो त्रिपुरा, आसाम और मणिपुर ही होगा, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर ही होगा। आइए जरा मैप में समझ लेते हैं, मिजोरम के आसपास, ठीक है, मिजोरम के आसपास भैया, मिजोरम हमारा कहाँ है? मिजोरम हमारा ये रहा। अब इसके आसपास देखेंगे, इससे त्रिपुरा है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे असम है, ठीक है, तो त्रिपुरा, मणिपुर, असम हो, और विकल्प में भी आपको यही तीन विकल्प आपको यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है, त्रिपुरा, ये देखिए त्रिपुरा, असम और मणिपुर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा मैप को हमें ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र की कोई सरल रेखा जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी? तो नई दिल्ली हमारा कहाँ है? नई दिल्ली हमारा यहाँ है, नई दिल्ली के सापेक्ष कह रहा है ना, तो नई दिल्ली हमारा यहाँ है, ठीक है। कोलकाता कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे है दोस्तों, देखिए पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, तो साउथ ईस्ट में कहाँ है भैया? साउथ ईस्ट में। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, साउथ ईस्ट में हमारा दिशा हो जाएगा। साउथ ईस्ट कहीं दिया है विकल्प में? जी हाँ बिल्कुल आपको दिया है, साउथ ईस्ट कहीं दिया है, ये हमारा साउथ ईस्ट ये आपको दिया है। कोई डाउट बाबू? कोई डाउट नहीं, इस मैप को जरा बहुत ध्यान से रखिएगा याद, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक
ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सारे सवाल आपको लग जाएंगे, मैप आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब इस सवाल को देखिए, कह रहे यदि आप सबसे छोटे मार्ग ट्रेन से पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। पटना से कहाँ जाना है? पटना से आपको जाना है चंडीगढ़, यानी कि पंजाब जाना है। तो जब आपको पंजाब जाना ही है तो डेफिनेटली आप पंजाब से होकर जाएंगे, पंजाब नहीं होगा, पंजाब दोस्तों नहीं होगा। पटना से जाएंगे तो उत्तर प्रदेश होके ही जाएंगे, उत्तर प्रदेश आपका नहीं होगा। जरा मैप देख लेंगे तो और आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जरा मैप इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सवाल पूछता है दोस्तों, आप देखिए आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है दोस्तों पटना से, बिहार से जाना है कहाँ पे, चंडीगढ़ पंजाब में जाना है। तो सबसे शॉर्टेस्ट में चले जाइए, जैसे यहाँ से निकले उत्तर प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश से हरियाणा गए, हरियाणा के बाद चंडीगढ़ चले गए, आप सीधे चले जाएंगे दिल्ली में, आपको नहीं आने की जरूरत है, ठीक है। आप यहाँ से पटना से उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश आप हरियाणा क्रॉस करते हुए चंडीगढ़ पहुंच गए, ठीक है। तो दिल्ली आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दोस्तों दिल्ली आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप देखेंगे आप यहाँ पे हरियाणा भी गए थे तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे हैं नहीं जाना पड़ेगा। तो नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सीधे पटना से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब चंडी, पंजाब चंडीगढ़ तो होके ही जाना पड़ेगा, तो उसी में आप चले जाएंगे। देखिए यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत को केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटे रेल मार्ग, मुंबई से दोस्तों कौन सा राज्य से नहीं गुजरना होगा। देखिए ये कराने का मकसद यही है, कम से कम ये तो समझ में आया कि सवाल सीटेट में पूछता कैसे है। कहाँ जाना है भाई, हमें जाना है चंडीगढ़ से, सॉरी हमें जाना है दोस्तों मुंबई से चंडीगढ़। तो ये हमारा मुंबई महाराष्ट्र हो गया, और ये हम यहाँ से हम चले जाते हैं मुंबई महाराष्ट्र, हम चले जाते हैं कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र, हम यहाँ पे चले जाते हैं चंडीगढ़, मुंबई महाराष्ट्र से हम यहाँ पे चंडीगढ़ चले जाते हैं। विद हाँ है भैया, ये रहा मुंबई महाराष्ट्र, हम चंडीगढ़ चले गए, ठीक है। अब कह रहे हैं कौन कौन से राज्य से नहीं गुजरना पड़ेगा, जरा विकल्प देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं राज्य। ओके मुंबई महाराष्ट्र से व्यक्ति मुंबई, ठीक है। हरियाणा पंजाब तो जरूर गुजरेंगे, राजस्थान गुजरात या हरियाणा, राजस्थान गुजरात या हरियाणा, जरा देख लीजिए, जरा देख लीजिए भाई, राजस्थान गुजरात या हरियाणा। दोस्तों आप देखेंगे तो राजस्थान में होके जाना पड़ रहा है, ठीक है, हरियाणा में भी होके जाना पड़ रहा है। आप देखिए तो गुजरात में आपको नहीं जाना पड़ेगा, कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, गुजरात आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से राजस्थान होके ही जाना है, हरियाणा होके जाना है, और आपको गुजरात होके ये चंडीगढ़ तो जाना ही जाना है, तो इसलिए आपको गुजरात से होके नहीं जाना पड़ेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, गुजरात से आपको होके जाने की जरूरत नहीं। ओके कोई डाउट नहीं। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल देख लीजिए, देखिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में। अच्छा तो बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर, इसको जरा देख लेते हैं, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, तो मान लीजिए भोपाल जो है हमारा गांधीनगर के, ये हमारा गांधीनगर है, और गांधीनगर से ठीक पूर्व में भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में, तो गांधीनगर के ठीक पूर्व में मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा भोपाल है। चलिए अब कह रहे हैं बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है, बेंगलोर जो है वो भोपाल के ठीक दक्षिण में है, यहाँ पे हो गया बेंगलोर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की, तो जब बेंगलोर के सापेक्ष कह रहा है तो बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की अगर हम बात करें तो गांधीनगर किधर है भाई, ये हमारा होता है नॉर्थ, ये हमारा होता है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, इसी तरीके से आप कर लेंगे आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, फिर उसके बाद दो तीन सवाल और बचे हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों के समूह चुनिए जिसमें सभी राज्य समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पे, अच्छा बंगाल की खाड़ी पे कौन कौन से भाई, तमिलनाडु होगा, उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल, तमिल, केरल नहीं होगा भाई, उड़ीसा, ये पहला वाला सवाल सही हो जाएगा, पहला वाला, अभी मैं आपको मैप दिखा दूंगा, पहला वाला वैसे सही हो जाएगा, केरल नहीं होगा, केरल अरब सागर के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र भी अरब सागर के किनारे स्थित है, कर्नाटक भी अरब सागर के किनारे स्थित है, हमसे पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी दोस्तों आप देखिए बे ऑफ बंगाल के किनारे के राज्य, अगर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल के किनारे के राज्य देखेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि यहाँ पे तीनों होने चाहिए, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो इस तरीके से सवाल पूछता है, आशा करते हैं आप इसको कर जाएंगे बहुत ही आसानी से। फिर देखिए हमारे देश के राज्य शासित सीमा समुद्र अरब सागर से लगती है, अरब सागर से कौन सी लगती है भाई, अरब सागर से कौन सी लगती है, आंध्र प्रदेश लगेगा, कर्नाटका लगेगा, पांडिचेरी लगती है, पांडिचेरी दोस्तों हमारी लगती है वेस्ट बंगाल, ये सारी बे ऑफ बंगाल से लगती है, पांडिचेरी यहाँ पे लगती है, ठीक है। मैप दिखा दूँ आपको, अरब सागर कह रहे हैं ना, अरब सागर देखिए,
अरब सागर में यहाँ पे आपको मेघालय पांडिचेरी यहाँ पे आपको लगते हुए दिखाई देगा, अरब सागर। ठीक है, चलिए मैप को आप बड़ा ध्यान में रखना है आपको, मैप से सवाल अक्सर आपसे पूछ लेते हैं। चलिए दो तीन सवाल और बचा है, आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। कह रहा है यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा कोलकाता की राजधानी, बंगाल की राजधानी कोलकाता से पांडिचेरी खींचते हैं तो बिंदु बी। अच्छा देखिए, हमारा कोलकाता कहाँ है भैया? कोलकाता हमारा यहाँ पे, कोलकाता कहाँ है? कोलकाता हमारा यहाँ पे, कोलकाता हमारा कहाँ पे? वेस्ट ऑफ बंगाल, यहाँ पे कोलकाता है। और यहाँ पे क्या है? पांडिचेरी। यहाँ पे हमारा ये है, हमारा ये डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब सापेक्ष देख लीजिए, किसके सापेक्ष पूछ रहा है? सापेक्ष किसके पूछ रहा है भाई? सापेक्ष देख लेते हैं, सापेक्ष किसके पूछ रहा है? कह रहा है कि ए पर कोलकाता है, ए पर कोलकाता है और बी पर पांडिचेरी है, तो बी के सापेक्ष कह रहा है ना, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष। यहाँ पर ए पे कोलकाता है और बी पे ये है, इसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछे हम वहीं पे क्या करेंगे, डायरेक्शन बना देंगे। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दोस्तों। बी के सापेक्ष का मतलब नॉर्थ ईस्ट, बी के सापेक्ष का मतलब नॉर्थ ईस्ट। कहाँ भैया? नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट हमारा ये है। मैप को देखते हुए चलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मैप आपको ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम में मैप नहीं देगा, एग्जाम में मैप देते तो मजा ही मजा है। गुजरात के निकटवर्तीय क्षेत्र, गुजरात के निकटवर्तीय क्षेत्र कौन से भैया? गुजरात के आसपास कौन सा है? गुजरात के आसपास अगर आप देखेंगे, ये हमारा गुजरात है, इसके आसपास हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो ये कौन कौन से भैया? महाराष्ट्र है बिल्कुल, है राजस्थान है, लेकिन मध्य प्रदेश होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमारा ये हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों किसके निकटवर्ती हैं? गुजरात के। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ से, कोई बिना डाउट के। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फिर वीडियो को समाप्त कर देंगे। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखिए थैंक यू आ गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, फिर हमारा यहाँ पे थैंक यू आ गया। दोस्तों कहने का मतलब है कि किस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है सीटेट में। सीटेट में दोस्तों अगर हम मानचित्र, दिशा की बात करें, मैप और डायरेक्शंस की बात करें, तो ये सारे जो सवाल थे दोस्तों आपके सीटेट में पूछे गए थे। इससे ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, और कैसे काम होके बहुत ही आसानी से आपको बिना घबराए आपको यहाँ से उत्तर लिखना है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा कि कैसे सवाल को करना है, सवाल कैसे भी चेंज करें, मेथड आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आप करेंगे। डायरेक्शन खासतौर पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और मानचित्र में कौन सी राज्य कहाँ पर स्थित है, कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा सीटेट हो जाने वाला है। तो हम, मुझे लगता है कि एक से दो सवाल आपको इस तरीके से आपके सीटेट में मिल जाएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, janet.01 से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कोई आपकी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।